कहते हैं कि अगर आपने किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उसमें में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करें उस लैंग्वेज को एज आ कैलकुलेटर यूज़ करें उसे के साथ पंगे लें तो आपको काफ़ी चीज़ों का पता चल जाता है इस आईफेक्टनेट लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो तो दोस्तों आ, उसी तरह आइडल में मैंने एक फ़ाइल ओपन कर ली है और उसको आर्थमेटिक ऑपरेटर्स के नाम से सेव से कर लिया है सबसे पहले सिंपल हमें पता है कि भाई जो दो नंबरों को प्लस करना हो तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं उसी तरह दो नंबरों को माइनस करना हो तो हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना हो तो दो दो से ज़्यादा जो भी है तो हम जो है स्टेरिक स्टेरिक का साइन यूज़ करते हैं इसी तरह अगर दो नंबरों को डिवाइड करना हो तो हम लेट सपोज़ हम जो है स्लैश यूज़ करते हैं इस फाइल को मैंने सेव किया और F5 की शॉर्टकट की यूज़ करके मैंने अपने प्रोग्राम को रन कर दिया देखते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट्स क्या है नाइन प्लस टेन इज़ 19, नाइन माइनस टेन इज़ माइनस वन नाइन इंटू टेन इज़ 90. और यहाँ पे हमने क्या किया था 90 को सेवन से डिवाइड किया था तो उसने 12.857 पॉइंट एट फाइव सेवन ये फ्लोट में हमें रिज़ल्ट दे दिया तो लेट सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो फ्लोटिंग पॉइंट में ना आए बल्कि सिंपल जो भी इंटीजर हो उसमें आए तो उसके लिए हम सिंगल फॉरवर्ड स्लैश के बजाय डबल फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे इस फाइल को सेव किया रन किया तो आप देखें कि उसने अब क्या किया हमें लास्ट में सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे दी अब वो राउंड अप नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे रहा है जो भी अगर 11.999 भी है तो वो 11 हमें वैल्यू देगा यहाँ पे 12.857 थी तो उसने सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे दी इससे इस थोड़े से और भी काम कर सकते हैं जस्ट डिफरेंट नंबरों को मल्टीप्लाई करें प्लस करें माइनस करें और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेड मास यानी कि देखेंगे कि भाई सबसे पहले क्या चीज़ होती है ब्रैकेट्स यूज़ होते हैं फिर एक्सपोनेंट यूज़ होता है फिर डिवीजन यूज़ uh, होती है मल्टीप्लिकेशन होती है इसका मैं आपको एक फार्मूला भी बताऊँगा और वो काम भी करेंगे तो अभी हमने एक्सपोनेंट की बात की तो देख लेते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर यानी कि जिसे हम कहते हैं फाइव रेज टू द पावर थ्री यानी कि फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव का रिजल्ट क्या होता है तो वही हम पूछ लेते हैं जी अपने प्रोग्राम से तो मैं कहता हूँ कि भाई तुमने प्रिंट करना है फाइव रेज टू द पावर थ्री और मैंने इसको सेव कर दिया अपने प्रोग्राम को मैंने रन किया तो वो मुझे बता देगा कि भाई फ़ाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो वन ट्वेंटी फाइव आ गया तो इस तरह हम यानी कि एक्सपोनेंट्स यानी कि रेस टू पावर फाइव रेज टू द पावर थ्री टेन रेस टू द पावर हंड्रेड वग़ैरह वग़ैरह को फाइंड कर सकते हैं ये तो हो गया दोस्तों टिक ऑपरेटर्स फिर अब हम देखते हैं कि ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है तो लेट सपोज uh, हमारे पास वेरिएबल्स uh, हैं कुछ लेट्स मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल uh, है जिसकी वैल्यू हम कहते हैं कि वर अंड उसको वन कर देते हैं उसकी वैल्यू है हमारे पास फाइव उसके बाद आगे चल के हम लूप्स को डिस्कस करेंगे कि लूप्स में हम प्लस कैसे करते हैं माइनस कैसे करते हैं लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई वैर को प्रिंट करने से पहले हम उसके अंदर जितनी भी उसकी पहले वैल्यू है उसके अंदर मैंने थ्री को ऐड कर देना है ठीक है और फिर मैंने प्रिंट करना है वेर अंडर स्को वन को तो क्या काम होगा इसको हम रन करके देख लेते हैं F5 करके कि उसने क्या किया फ़ाइव के अंदर ऐड कर दिया थ्री को और उसने हमें वैल्यू आ, शो करा दी इस काम को मैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए ऐसे करूँगा बजाय इसके कि मैं ये लिखूँ इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ इस तरह लिखूँ मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि फैर एंड उसको वन प्लस इक्वल्स टू थ्री तो क्या होगा कि अब वो वेरिएबल वन के अंदर थ्री ऐड करके हमें रिज़ल्ट शो कर देगा आ, बल्कि इसको मैं फो कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए पहले रिज़ल्ट एट आया था इसको हमने सेव किया इसको मैंने रन किया और हम देख लेते हैं कि हमारे पास अब मैंने देखें यहाँ पे ये यह इस काम किया है कि वेर अंड उसको वन प्लस इक्वल्स टू फोर तो फिर उसने क्या किया फाइव में फोर ऐड करके हमें नाइन रिजल्ट शो कर दिया इसी तरह हम माइनस इक्वल्स भी कर सकते हैं जैसा कि मैं कहता हूँ कि वह अंडरस्कोर इसके बाद ठीक है अब उसकी वैल्यू क्या आ गई है नाइन हो चुकी है तो मैं कहता हूँ कि यार वह माइनस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू टू तो अब वो नाइन में से टू माइनस करना चाहिए और उससे हमें रिजल्ट शो कर देना चाहिए सेवन चलिए मैंने फाइल को सेव किया एफ फाइव किया और हम रिजल्ट देखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सेवन क्यों क्योंकि यहाँ पे देखें पहले वेरिएबल की वैल्यू थी फाइव लेकिन उसमें हमने फोर ऐड कर दिया तो वेरिएबल की वैल्यू होगी नाइन उसमें से जब हमने फिर टू माइनस किया ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर माइनस इक्वल टू को यूज़ करते हुए तो उसकी वैल्यू हो गई सेवन इस तरह वेरिएबल्स को वेरिएबल्स कहते हैं इसीलिए क्योंकि इनकी वैल्यूज से चेंज होती हैं दोस्तों उम्मीद है आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का पता चल गया होगा थोड़े से इस तरह के काम पाँच दस मिनट के लिए करें डिफरेंट नंबर्स को प्लस करें माइनस करें सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई करें एक्सपोनेंट्स फाइंड करें और ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स को यूज़ करें तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको पाइथन को यूज़ करना भी आ जाएगा उसके साथ साथ जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे और इफ की कंडीशन यूज़ करेंगे तो आपको और भी मज़ा आएगा उम्मीद है ये ट्यूटोरियल पसंद आया है लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें मैं हूँ आई फैक्टिनर मिलेंगे एक और नई वीडियो टिटोरियल में